गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? एसआईटी फर्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर। यस, आज मैं आपको टुडे लेसन 12 इंग्लिश ग्रामर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताएंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स लेसन 12। इससे पहले मैंने आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में बताया था, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मेन पोर्शन है। इसके बिना हम आगे इंग्लिश में पढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ही चीजों को सीखते हैं। आज मैं आपको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बता रही हूँ, उसमें भी आपको मैं अल्फाबेट से ही स्टार्ट करूंगी। इसमें भी अल्फाबेट का रोल है। अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से अल्फाबेट्स कितने होते हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट्स? 26। ये जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं स्वर एंड व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर जो होते हैं आ से आहा तक, उसमें भी पार्ट होते हैं, किसी को कुछ कहते हैं किसी को कुछ कहते हैं, और का से ज्ञा तक व्यंजन, आ से आ तक स्वर। इसी तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में अलग, हिंदी में स्वर व्यंजन बोलते हैं और इंग्लिश में हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स में स्वर और कॉन्सोनेंट्स हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, समझे? अब हमें जब हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सीखेंगे तभी हम इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम वॉवेल्स, फिर कॉन्सोनेंट्स, इस तरह से हम सीखते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अल्फाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें कुछ लेटर्स को होते हैं वॉवेल्स। ये आपने प्रेप क्लास में, इससे पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको उस समय आपने ब्रीफ में पढ़ा था, ब्रीफ में संक्षेप में, अब मैं आपको इसको और विस्तार में बताती हूँ। जैसे इसमें वॉवेल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स के अंदर होते हैं, जैसे ये ए, मैं सर्वे करूंगी वो वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, ये कितने हो गए हैं? 5। चलिए मैं आपको गिनकर बताती हूँ, 1 2 3 4 5। ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या है? वॉवेल्स। वॉवेल्स की स्पेलिंग क्या है? वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, वॉवेल्स। पूरी अल्फाबेट 26 होती है। अब मैं -5 कर देंगे तो इक्वल कितने बचेंगे? 26 में से मैंने -5 किया तो बचेगा लेफ्ट में 21। ये हो गए 5 वॉवेल्स, 26 अल्फाबेट्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। इस तरह से है। अब वॉवेल्स क्या होता है? किसी चीज को मैंने आपको बताया वॉवेल्स, लेकिन आप क्या समझोगे कि वॉवेल्स की पहचान कैसे करोगे? तो उसके लिए डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परिभाषा, कि उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वॉवेल्स है। वॉवेल्स, द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। कॉल्ड मीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल्स कहते हैं। तो वॉवेल्स कितने हैं? 5। ये आपने वॉवेल्स समझा। अब आप कॉन्सोनेंट्स के उसमें है, ये कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन, हिंदी में बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट
जो होती है ये अल्फाबेटिक है, अल्फाबेट्स में 5 तो वोवेल्स हो गए और उसके बाद जो 21 बचते हैं लेटर्स वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 21 क्या होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कितने हैं लेटर, 21। नहीं तो आप गिनकर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो कितने हो गए, 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स, और 5 क्या है, वोवेल्स। तो कॉन्सोनेंट्स की भी एक डेफिनेशन होती है, सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आगे आपको लेटर लगाना है, द लेटर्स बी सी डी पूरा बी से लेके जेड तक ये पढ़िए, बीच में जो वोवेल्स हटा दिए उनको मत पढ़िए, ए बी सी डी ए से जेड तक 5 वोवेल्स हटाने के बाद जो बचता है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये है कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन, और ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वोवेल्स हैं, इस तरह से है। अब आप इसमें एक्सरसाइज है, अब जैसे ये देखिए 5 वोवेल्स है, तो 5 वोवेल्स में जो ई फॉर एलिफेंट होता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, आई फॉर आइसक्रीम होता है, ओ फॉर आउल होता है और यू फॉर अम्ब्रेला होता है। इस तरह से ये देखिए एक्सरसाइज 1 अब आप ये देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगी और आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। अब है एक्सरसाइज 1 ई एक्स ई आर सी आई एस ई एक्सरसाइज 1 ई एक्स ई आर सी आई एस ई एक्सरसाइज 1 में क्या है, लिसन मैच ईच पिक्चर्स टू द वोवेल्स इट्स नेम बिगिंस विद वन हैच बी डन फॉर यू। इसमें पिक्चर्स दिए हैं कि जैसे ये एक पिक्चर तो इसमें रॉन्ग है, ये आज का पिक्चर दे दिया और यहाँ आंट भी दे दिया है, घोड़ा हो या गधा हो तो ये बनता नहीं, यहाँ पे अम्ब्रेला का पिक्चर होना चाहिए, अम्ब्रेला का पिक्चर होना चाहिए मेरे उसमें। तो यहाँ पर ये आप रॉन्ग करके यहाँ पे अम्ब्रेला का पिक्चर बनाना, तो ये क्या है कि इन्होंने मैच किया हुआ है और यहाँ पर ये जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पे एक अम्ब्रेला बनाइएगा आप। अम्ब्रेला से मैच होगा, ये आम से मैच हुआ और ये आउल को फॉर आउल से मैच करेंगे, ई को एलिफेंट आइज ई फॉर आइज और आई फॉर इग्लू जो बर्फ की जगह पर होता है इग्लू और यू फॉर अम्ब्रेला। ये रॉन्ग पिक्चर था, इसलिए आप अपनी बुक में भी इसको पेंसिल से सिर्फ कट्टा निशान लगा के एक अम्ब्रेला बना लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको मैच में हो सकता है मे बी पॉसिबल हमारे पिक्चर अलग हो, तो पिक्चर आप कोई भी बना सकते हैं लेकिन वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाए, मान लो अम्ब्रेला बना,
ये बन गया अंतरा। ठीक है, ये बन गया अम्ब्रेला। अब ए से एप्पल भी बना सकते हैं हम, ये बन गया एप्पल। ठीक है, आई भी बना सकते हैं, आई आई मीन्स आंख। इस तरह से ये आई बन गई। अब मैंने थ्री पिक्चर्स यहां बनाया है, ये एप्पल, ठीक है। अब ये आई है, ये अम्ब्रेला और ये एप्पल है। तो आई ई से स्टार्ट होती है, एप्पल ए से स्टार्ट होता है और अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है। इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। ई फॉर इसको हमें मैच करना है, एम ए टी सी एच मैच। तो अल्फाबेटिकल पिक्चर को अल्फाबेटिकल लेटर से मैच करना है। ई फॉर आइज, ए फॉर एप्पल, यू फॉर अम्ब्रेला। अब आपके टू अल्फाबेट्स क्या रह गए, ए आई ओ यू में ए ई आई ओ और यू, ये फाइव बॉबल्स में क्या रह गए, ए हो गया, ई हो गया और यू हो गया। अब हमारे आई और ओ रह गया, आई आई रह गया और ओ रह गया। आई का पिक्चर क्या बनाए, आई का हम इंपॉर्ट भी बना सकते हैं, जैसे इंपॉर्ट ऐसे बनती है, आई फॉर इंपॉर्ट। पिक्चर आप कोई भी बना सकते हैं, बसरते वो इन लेटर्स से शुरू होता हो। ये आई फॉर इंपॉर्ट है और एक ओर है, ओ फॉर आउल भी होता है और ऑरेंज भी होता है। आप चाहो तो ऑरेंज बना सकते हो, ये देखो आउल बन गया। ये आउल है, ये क्या है आउल। अब हम आउल को ओ से स्टार्ट करते हैं और आई फॉर इंपॉर्ट को आई से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, आई फॉर इंपॉर्ट। इंपॉर्ट मीन्स होती है स्याही की दवा, दवा इंपॉर्ट मीन्स स्याही की दवा, तो आउल मीन्स उल्लू। इस तरह से हमने अल्फाबेट का जो ए ई आई ओ यू है उनको उनकी पिक्चर से मैच किए हैं। पीछे एक्सरसाइज टू दी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, सर्कल द बॉबल्स विद ब्लू एंड कंसोनेंट विद ग्रीन पेंसिल्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें ये देखिए, ये सारे लेटर्स दिए हैं, इसमें सिर्फ आपको ब्लू से बॉबल्स को सर्कल करना है और ग्रीन से कॉन्सोनेंट्स को सर्कल। ये आप अपने नोटबुक में, बुक में और नोटबुक में दोनों में ही वर्क करना है। ओके, थैंक यू।